आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं इसकी कुछ मोटी मोटी वजहें हैं जो हम आज की प्रेस के माध्यम से आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहली तो बात ये है कि पिछले दिनों हमने एक कॉल दी थी कि हमारे कुछ नौजवान जो बिना वजह जेल के अंदर बंद किए हुए हैं, हमारा वहाँ पे नवदीप लड़का है, अनीश है, गुरकीरत है। अनीश की अगर बात करें तो 28 दिन से वो अनशन पे है। ये बात इतनी नहीं है कि केवल वो जेल में है, वो अनशन पे भी है और यहाँ तक कि सरकार ने उसके पेरेंट्स को मिलने से भी मना कर रखा था, उसको अलग चक्की में बंद कर दिया। तो पिछले दिनों जब हमने ये कॉल दी इन नौजवानों को रिहा करवाने के लिए कि हम रेल रोकेंगे मजबूरन, तो उस समय हमारे साथ पंजाब के प्रशासन और हरियाणा के प्रशासन की बातचीत चलती रही। उसमें उन्होंने वायदा किया था हमारे साथ कि 16 तारीख तक हम इन नौजवानों को जेल से रिहा कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई ऐसा उधर से मैसेज नहीं आया, उनको रिहा करने की बात नहीं है। और साथ में हमारी ये भी एक डिमांड थी कि पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब प्रशासन की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे हम आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज आंदोलनकारियों को प्रोवाइड करवाई जाएं, लेकिन वो आज तक इतना काम गलत और अधूरा पड़ा है कि लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। जैसी व्यवस्था लोगों ने अपने आप की और उसका खमियाजा पिछले दिनों आप प्रेस ने अच्छी तरह देखा, वो क्या हुआ कि वहाँ पे बिजली का सर्किट शार्ट हुआ, 5-6 झोपड़ियाँ ना कहें, हमारे तो घर ही हैं वहाँ पे, पूरा सामान है वो जल गए और एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली जल गया। तो ये सभी बातों को लेकर हमारे साथ कमिटमेंट थी कि इन लड़कों को 16 तारीख तक रिहा कर देंगे और कुछ किसी भी तरीके से हम करें, ये आपकी समस्याएं, आपकी जो फैसिलिटी चाहते हैं आप, आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह वो किसानों को नहीं मिल रही। उसको लेकर हमारा ये प्रोग्राम है कि आज अगर शाम तक का समय और भी है, प्रशासन ऐसा ना कहे कि आपने बहुत जल्दबाजी की है, आज का दिन पूरा उनके पास है, अगर वो हमारे नौजवानों को रिहा करते हैं और वहाँ पे हमारी जो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जो जो चाहिए वो पूरी करते हैं, मेडिकल की व्यवस्था चाहिए वो पूरी करते हैं, तो उसके लिए सोचा जा सकता है। जैसे हमने पहले ही पोस्टपोन किया हुआ है, नहीं तो फिर हमारी मजबूरी बनेगी, कल हमें ट्रेन की पटरी पर जाना हमारी मजबूरी बनेगी। हमारी कोई भावना, हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि हम कोई हो अल्लाह करना चाहते हैं। आगे बात ये है कि पूरे देश के अलग अलग जगहों पे ये गलत समय पे बारिश जो हो रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है, इस बारिश के साथ साथ गड़ेमारी के भी बहुत ओलावृष्टि हो रही है अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जिलों में, और सरकार उसकी तुरंत पीछे भी नुकसान हुआ और अब फिर इस समय नुकसान हुआ है। किसानों की ये हुई ओलावृष्टि के नुकसान हुआ या बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी गिरदावरी करवाकर उनका तुरंत मुआवजा देने की व्यवस्था बनाए सरकार, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी संभाले, नहीं तो फिर किसानों को इस तरफ भी आंदोलन करने के लिए प्रयास करना मजबूरी होगी। आगे जो हमारे जो कार्यक्रम दिए गए हैं इसके लिए, पंजाब और हरियाणा के अंदर अप्रैल के एंड से लेकर मई का महीना ये पूरा इसी काम पे लगाएंगे हम कि पंजाब और हरियाणा के अंदर बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल कर एक एक किसान तक ये मैसेज लेकर जाएंगे कि किस तरीके से सरकार ने किसानों के साथ पेश आ रही है और किसानों का कत्लेआम किया जा रहा है, वो सब बातें सरकार की जो हमारे साथ बेइंसाफी या अन्याय हुआ वो लोगों के सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ अदर स्टेटों में भी
हमारा प्रोग्राम बना है कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके साथ साथ वहाँ पे जन सभाएँ कर इतने ही समय के अंदर अंदर वो भी हम अपना काम कंप्लीट करने का प्रोग्राम दिया, वो भी हम करेंगे। आगे जो बात ये आ रही है कि चंडीगढ़ के अंदर जो मोहाली का ही है वो तो इलाका, अभी यहाँ पे कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है। देखिए रास्ता एक साइड छोड़ा हुआ है, कहीं पे किसी को कोई रास्ता की प्रॉब्लम नहीं है, तो किस तरीके से हमारी हाई कोर्ट के पास वो उस बात को रखा गया वो अलग बात है, वो पता नहीं क्या है। लेकिन हमारा निवेदन है कि जब रास्ते खुले हैं, किसी आदमी को जाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हाई कोर्ट को जो उन्होंने आदेश दिए हैं उनके लिए फैसला लिया है उस मोर्चे को चुकवाने के लिए, हमारा निवेदन है कि उस फैसले के ऊपर हाई कोर्ट मुड़ दोबारा एक बार रिव्यू करे, उसके ऊपर एक बार मंथन करे। और प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह की भी उनके ऊपर जोर आजमाई धक्केशाही करने का प्रयास ना करें, ताकि पंजाब का माहौल, देश का माहौल ठीक बना रहे, शांति बनी रहे। आगे एक बात और है कि देखिए बीजेपी वाले जो हमारा निशाना है केवल सवाल करना, क्वेश्चन करने उनके ऊपर, वो हम कर रहे हैं और वो रहेंगे जारी, उससे तो भाग नहीं सकता कोई। क्यों? देखिए पंजाब की किसान, हरियाणा के कुछ उधर से आए किसान जिस समय उनके ऊपर अथरू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, एक भी नेता किसानों के पक्ष में नहीं बोला, सब ने अपनी अपनी जुबान बंद रखी है। तो अब वो तो सवाल लोग तो पूछेंगे कि भाई आपने जो हमारे साथ वायदे किए थे वही वायदे हम आपको याद दिलाने के लिए जा रहे थे, आप हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे, दिल्ली आकर किसानों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं प्रदान करोगे, तो फिर ये तो हमारी मजबूरी बनेगी कि जब आप हमारे पास आओगे उस समय वो सवाल तो हम करेंगे, और वो हमारा एज इट इज़ जारी रहेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बीजेपी के नेता जब डिबेट्स में बैठते हैं या प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम इनके साथ खुली डिबेट करने के लिए तैयार हैं, खुला चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, वो खुला हमारे साथ बात करें, जो उनके सवाल हैं हम उनकी इस चैलेंज को कबूलता है मोर्चा, उनको खुला चैलेंज देते हैं हम कि आप लोगों को जब हमारे लोग सवाल पूछते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा जवाब होता है कि ये तो हमारे ऊपर वालों को पता है जी, हमारा नहीं ये काम। हमारा ये है कि अगर हमारे साथ बात करनी चाहते हैं तो हमारा उनका जो चैलेंज है वो हम कबूलते हैं, लेकिन उनको हमारा ये है कि उनके कम से कम वो ऊपर वाले ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुली डिबेट मीडिया के सामने, लोगों के सामने जानी चाहिए एक एक बात कि हम क्या कहते हैं और वो हमारी उस बात का जवाब हमें क्या देते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। 23 तारीख हम देते हैं, 23 अप्रैल, हाँ जगह उनके लिए छोड़ते हैं चंडीगढ़ के अंदर, जो जगह वो हमें बोलेंगे उस जगह पे हम आएंगे और उनको खुली डिबेट में हम बैठकर उनको सवाल करेंगे और हमारे सवालों के वो जवाब दें, अगर उनकी हिम्मत है हमारे सवालों का जवाब देने की। तो दूसरी इसके साथ एक बात और भी है कि 23 तारीख दी हमने, 2 दिन का हम समय भी देंगे उनको कि वो अपनी जगह वो बताएं, अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर जगह भी मजबूरन हमें ही बतानी पड़ेगी, वो प्रेस के माध्यम से हम जगह भी बताएंगे कि यहाँ पर बैठो आओ हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तब इतनी बात कहनी थी मैंने।